हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, जिसको आप सभी लोग SJVN लिमिटेड के नाम से जरूर जानते होंगे, जो कि एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU है, जिसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिसेंटली पब्लिश करा गया है। इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई है इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। हम इन वेरियस डिपार्टमेंट्स में स्पेसिफिकली लीगल डिपार्टमेंट की वैकेंसी के रिगार्डिंग बात करेंगे कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और कौन सी डेट से पहले हमें इस फॉर्म को फिलअप कर देना है ताकि हम इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। ये सारी डिटेल्स देने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूँ। जो भी बच्चा अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे वो जुडिशरी की वैकेंसी हो या फिर बैंक की वैकेंसी हो या फिर हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए जो इम्पैनलमेंट की वैकेंसी निकलती है वो वैकेंसी हो, ऑल ओवर इंडिया हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी तो आपको इस चैनल पे उस वैकेंसी के रिगार्डिंग टाइमली अपडेट्स मिल जाएंगे, ताकि आप उन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का टाइमली ही पार्ट बन पाए और जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाए। तो मैं चाहूंगा अभी जिन भी कैंडिडेट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि फ्यूचर में जितनी भी वैकेंसीज निकले उस वैकेंसी के बारे में उन्हें टाइमली अपडेट मिल जाए। अब हम बात कर लेते हैं इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। SJVN लिमिटेड ने वेरियस डिपार्टमेंट्स में वेरियस वैकेंसीज रिलीज करी हैं, लेकिन हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए जो हमें डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो फील्ड ऑफिसर की करी जा रही है और नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे डिपार्टमेंट के लिए 7 निकाली गई है, 7। और इस फॉर्म को फ्रेशर्स फिलअप कर सकते हैं इफ रिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का LLB कोर्स करा या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर आपके पास LLB की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% एंड अबव तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 50% एंड अबव ये सिर्फ SC ST कैटेगरी के लिए रखा गया है और हमारे जनरल कैटेगरी के लिए और EWS कैटेगरी के लिए 55 एंड अबव रखा है। अगर आपने अपनी LLB डिग्री में 55% अबव स्कोर करा है, मतलब अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 55% अबव चाहिए तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं अपनी LLB डिग्री में। और जो SC ST और PWD कैटेगरी से बिलोंग करता है उन्हें 50% एंड अबव चाहिए LLB डिग्री में। अगर उनकी 50% एंड अबव LLB डिग्री में तो वो इस प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के ऊपर। एज में इन्होंने बोला है अगर आपकी एज बिलो 30 ईयर्स है तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी इन्होंने दिया है, वो भी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स है, वो भी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स है। गवर्नमेंट नॉर्म्स मींस अगर OBC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, अगर आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। मतलब आपके लिए जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए 35 की एज हो गई, OBC कैटेगरी के लिए 33 की हो गई और जो हमारे PWD कैंडिडेट्स के बच्चे होंगे उनके लिए ये एज 40 हो गई। तो ये आपको एज रिलैक्सेशन भी गिवन है इस फॉर्म में। अब बात कर लेते हैं आपके डेजिग्नेशन के रेम्यूनरेशन पे कि आपको फिक्स्ड रेम्यूनरेशन कितना प्रोवाइड करा जाएगा। आपको मंथली बेसिस पे 60,000 रुपीज प्रोवाइड करे जाएंगे और साथ ही साथ इसमें आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि आपको मेडिकल अलाउंस मिलेगा, आपको HRA मिलेगा, बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब की तरह इसमें सारी फैसिलिटीज मिलती है। तो मैं चाहूंगा आप लोग इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैं चाहता था कि आप लोग NSCL में जरूर अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बोला था, वैसे ही मैं कहूंगा आप लोग इस फॉर्म को भी जरूर फिलअप करिएगा, ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और काफी बच्चे हमेशा से चाहते हैं कि वो हिमाचल में जाके रहें और काम करें, तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जो दिल्ली NCR का रीजन है वो मोस्टली अपने छुट्टी मनाने के लिए हिमाचल प्रेफर करते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि आपको हिमाचल में ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां पर आपके फील्ड के अकॉर्डिंग ही आपको जॉब मिल रही है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं कैटेगरी वाइज एक बार आपको क्लासिफिकेशन दे देता हूँ कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोजीशंस रखी गई हैं। इन्होंने लॉ ऑफिसर के लिए, जो आपके फील्ड ऑफिसर की डेजिग्नेशन आपको ऑफर कर रहे हैं,
नंबर ऑफ वैकेंसी मैं आपको बता चुका हूँ, 7 है। स्केड्यूल कास्ट के लिए इसमें एक वैकेंसी रखी गई है, ओबीसी कैटेगरी के लिए भी इसमें एक वैकेंसी रखी गई है, और 5 वैकेंसी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए रखी गई है। तो मतलब स्केड्यूल कास्ट के लिए एक, ओबीसी के लिए एक, जो भी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5। ये आपकी वैकेंसी है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस आपका, सबसे पहले एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं जिसको, आप सभी लोग सीबीटी के नाम से इसे जरूर जानते होंगे। उसका वेटेज आपका 75% होने वाला है। उसके बाद जो भी क्वालिफाई करेगा रिटन एग्जाम को, उसको जीडी के लिए बुलाया जाएगा, जिसको आप लोग ग्रुप डिस्कशन के नाम से जरूर जानते होंगे। ग्रुप डिस्कशन में आपका 10% का उसका क्राइटेरिया रखा गया है। उसके बाद फाइनली जो जीडी क्लियर करेगा उसको पीआई के लिए बुलाया गया, जो कि आपका पर्सनल इंटरव्यू है, उसका वेटेज 50% रखा गया है। तो 15% प्लस 10% प्लस 75%, तो ये आपका 100% का पूरा इन्होंने क्राइटेरिया बना रखा है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 75% आपके रिटन एग्जाम का है, जीडी के लिए आपका 10% है, और आपके पीआई के लिए 15% रखा गया है। अब आपके जो लोकेशन होंगे जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं अपना पेपर देने के लिए सेंटर, वो आपका न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून, शिमला, शिमला, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर हो सकता है, और नॉर्थ ईस्ट में भी कई जगह टेस्ट सेंटर्स रखे गए हैं। तो ये आपका फॉर्म के लिए रिगार्डिंग चीजें बताई गई हैं। अब बात कर लेते हैं हमें ये फॉर्म कौन सी डेट से पहले फिलअप कर लेना है ताकि हम इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाए। आपका इस फॉर्म का फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 9th of October 2023। बिफोर 9th of October 2023 आपको ये फॉर्म फिलअप कर लेना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अभी इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन चालू नहीं हुए हैं, सिर्फ इसका एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया गया है। इस फॉर्म के डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट ही अभी पब्लिश किया गया है। इस फॉर्म की स्टार्टिंग डेट रखी गई है 18th of September 2023। तो मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, 18 सितंबर को आपके रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। आपको रजिस्ट्रेशन प्लस अपनी फी पेमेंट 9 अक्टूबर 2023 से पहले कर देनी है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसा कि हमारे लीगल डिपार्टमेंट के लिए एक वैकेंसी आपके एससी कैटेगरी के लिए रखी गई है, तो आपके लिए एससी कैटेगरी वालों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है, और जो हमारे अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ₹600 का फॉर्म रखा गया है प्लस जीएसटी। तो अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमली बेसिस पे आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की। ये आपको फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहला लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। आप चाहे तो इसको वहीं पर ही पढ़ सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके, या फिर आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो आपको डिस्क्रिप्शन में सेकेंड लिंक अवेलेबल होगा वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली SJVN की वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप अपना फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप लोग ये फॉर्म जरूर फिलअप करें। अगर आपको इस फॉर्म में कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और मैं चाहूंगा अगर आपको ऐसी ही लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग, कोई भी वैकेंसी के रिगार्डिंग टाइमली अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।